संगम नमामि के बारे में बाबा साहब का अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो। सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में 1956 में 14 अक्टूबर को जो दीक्षा दी थी, धम्म दीक्षा, तो उसके प्रोग्राम का अरेंजमेंट चल रहा था। वामनराव गोडबोले जी है जहाँ का, ये चिचोली का प्रोजेक्ट हमने देखा है 2 अप्रैल को, उसी वहाँ के वो संस्थापक है। तो वामनराव गोडबोले और वहाँ के कुछ 15-20 लोग आयोजन समिति के मेंबर थे, और 13 अक्टूबर को श्याम होटल है नागपुर में, वहां पर चर्चा चल रही थी। बाबा साहब थे, श्रीलंका के वली सिंहा थे और भंते चंद्रमणि थे और सारे आयोजक लोग थे। उस वक्त चर्चा चली कि प्रोग्राम का आयोजन कैसे करना है, तो बाबा साहब ने उस वक्त के भिक्खु संघ की हालात को देखकर कहा था कि भिक्खु संघ तो बहुत स्कैटर्ड है, इधर उधर है, इकट्ठा नहीं है, तो क्या करेंगे ऐसे भिक्खु संघ को, जो लोग इकट्ठा नहीं रहते ऐसे इनको संगम नमामि या संगम शरणम गच्छामि कैसे करेंगे, बोले मैं तो नहीं करूंगा। तो बात चली और जो वामनराव गोडबोले जी के किताब में लिखी हुई बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बाद में वली सिंहा जी और वामनराव गोडबोले जी और भंते जी थे चंद्रमणि, उन्होंने ये बोला, बाबा साहब के सामने तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वामन राव जी ने बोला कि बाबा साहब आपको एक बात कहूं, तो बाबा साहब ने बोले बोलो क्या कहना है। तो उन्होंने ये बताया कि भगवान बुद्ध ने खुद अपने आप को संघ का सदस्य माना है, तो आपको संगम शरणम गच्छामि या संगम नमामि, जो अभी हम नए फॉर्मेट में कहते हैं, ये इसीलिए कहना जरूरी है क्योंकि खुद भगवान बुद्ध अपने आप को संघ का सदस्य मानते थे। ऐसा बुद्ध का जो रेफरेंस वली सिंहा जी ने, भंते चंद्रमणि जी ने और वामनराव गोडबोले जी ने बताने के बाद बाबा साहब ने बोला ठीक है, मेरा कोई ऐसा संघ के बारे में कोई ये नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपको कितनी जानकारी है। तो इसीलिए बाबा साहब ने दूसरे दिन जो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संगं शरणं गच्छामि उतनी ही खुशी से बोला। तो संगं शरणं गच्छामि का मतलब है कि हम लोग जिसमें स्वयं बुद्ध समाविष्ट है, शामिल है, उनको हम शरण जाते हैं, नमन करते हैं। बस इतना ही कहना था सर, धन्यवाद। संगम नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु।